हेलो गाइस, वेलकम इन क्यू फिक्स अप्लायंस रिपेयर। आज आप देखेंगे हमारे पास पैनासोनिक 1.5 टन इन्वर्टर एसी का एक यूनिट का बोर्ड है, आउटडोर यूनिट का, जिसमें कि प्रॉब्लम यह है कि ये पावर ऑन नहीं हो रहा है। और जो मैकेनिक इसको लेके आया है, उनका कहना यह है कि ये जो IGBT है, ये बार बार ख़राब हो जाता है इसके अंदर, मतलब बार बार शॉर्ट हो जाता है। तो आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि IGBT है क्यों ख़राब क्यों होता है बार बार। और आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको पावर सप्लाई लगा के दिखा देता हूँ कि इसमें वोल्टेज वगैरह इनपुट हो रहे हैं कि नहीं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये इसकी इनपुट सप्लाई है न्यूट्रल और लाइन की, यहाँ पे मैंने सप्लाई दे दी है। तो आप देखेंगे 236 वोल्ट एसी यहाँ पे प्रेजेंट है। और अगर हम फ्यूज़ की दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो फ्यूज़ है ये बर्न हो चुका है। आप देखेंगे 20 एम्पेयर का फ्यूज़ है जो कि अभी बर्न है, ओपन हो गया है। और ओपन होने का जरूर कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। इस तरफ जो आप ये देख रहे हैं सेक्शन, ये शॉर्ट है इसका। मैं आपको एक बार चेक करता हूँ सप्लाई निकाल करके। तो सप्लाई निकालने के बाद हम एक बार इसको देख लेते हैं कहीं इसका कैपेसिटर डिस्चार्ज तो नहीं है। तो कैपेसिटर तो चार्ज नहीं है क्योंकि आगे शॉर्टिंग है। और अभी मैं इसके जो अपना ब्रिज रेक्टिफायर लगा है यहाँ पर, इसको अगर हम चेक करते हैं यहाँ से, तो इसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपस में शॉर्ट हो रहे हैं। तो अभी हमें ये जो IGBT है इसके तीनों पिन पे चेक करते हैं, कलेक्टर, एमिटर और गेट पर। तो इसके तीनों जो पिन हैं आपस में शॉर्ट बता रही है। तो सबसे पहले हम इस IGBT को ही निकालेंगे और IGBT को निकालने के बाद इसमें शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फ्लक्स लगा देता हूँ यहाँ पे पहले, सबसे पहले, क्योंकि हमें इसे अभी डिसोल्व करना है यहाँ से। तो आप देखेंगे ये IGBT हमने निकाल लिया है। इस IGBT का जो नंबर आप देख पाएंगे, तो ये जो इसका नंबर है वो है 50JR22, जो कि कॉमनली हर इंडो आउटडोर यूनिट के PCB में लगा होता है। एक बार मैं आपको साफ करके दिखा देता हूँ। अब आपको एक बार नंबर दिखा देता हूं मैं। तो आप देख सकते हैं 50JR22। इसको एक बार बाहर वापस चेक कर लेते हैं कि ये शॉर्ट है कि और भी कोई इशू है। ये एन चैनल IGBT है तोशिबा का, जो कि ओरिजिनल IGBT है, फिर भी ये बार बार उड़ रहा है। तो इसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। तो हमें इस रीजन को चेक करने के लिए हमें इसकी जो गेट ड्राइव है, जो गेट की सप्लाई होती है, ये इसका एमिटर है, ये इसका कलेक्टर है और ये इसका गेट है। तो आप देखेंगे गेट की तरफ एक ट्रांजिस्टर लग रहा है और दो रेजिस्टेंस लगी हुई है एमिटर के थ्रू। एमिटर वाली जो पिन है, ये वाली एमिटर की पिन है। यहाँ से आप देखेंगे तो दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं दो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है। ये 10K की रेजिस्टेंस है, ये 4.7 ओम्स की रेजिस्टेंस है। और आप ये जो ये BJT ट्रांजिस्टर है, जो कि PNP ट्रांजिस्टर है, और इसको आप देखेंगे यहाँ से एक जंपर भी लगा हुआ है यहाँ पर। ये जंपर जा रहा है सीधे इस IC पर। तो जंपर के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ड्यूअल लाइन कंप्यूटर IC लगी हुई है, जो कि इसकी लो साइड गेट को ड्राइव करती है IGBT की। और ये इसका रिएक्टर है जो कि PFC सर्किट को बूस्टअप वोल्टेज देता है लो वोल्टेज होने पर। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो इसकी IC है ये फट चुकी है बीच में से, ये भी फट चुकी है, मतलब ये भी ख़राब हो गई है। तो अभी हम इसको सबसे पहले रिमूव करेंगे और इस ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं और इस रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को मैंने डायोड मोड पर सेट कर दिया है, देख पा रहे हैं आप। और उसके बाद हम इसकी जो ये ट्रांजिस्टर है इसको चेक कर लेते हैं एक बार।
तो ये एक तरफ से लीक दिखा रहा है और दूसरी तरफ से डायोड की रीडिंग आ रही है। तो एक बार इसको निकाल लेते हैं पहले बाहर। तो ये जो ट्रांजिस्टर है पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जिसको भी कि मैंने अभी बाहर निकाल लिया है। और ये असेंबली टाइप ट्रांजिस्टर है, बहुत छोटा है, तो इसको संभाल के यहाँ पे रख लेते हैं। और अभी वापस से चेक करते हैं कि अभी यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे 125 की जो रीडिंग आ रही थी वो नहीं आ रही है, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर लीक था। और अभी आप ये जो दो रेजिस्टेंस देख रहे हैं इनको चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को किलो ओम्स पर सेट कर दिया, ये 10K के रेजिस्टेंस है जो कि अभी ओम्स में तब्दील हो गई है, और ये 4.7 ओम्स की रेजिस्टेंस है जो कि ठीक है। तो हमें ये 10K वाली रेजिस्टेंस है इसको भी चेंज करना होगा। तो मैं इसको भी बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये 10K की रेजिस्टेंस है जो कि अभी ओपन दिखा रही है। इसको एक बार चेक कर लेते दोबारा से अच्छे से। तो ये 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो आईसी फटी हुई है, इस आईसी की वजह से हमें इसकी जो वैल्यू है वो गलत मिल रही है। तो इसको वापस लगा देते हैं, इस रेजिस्टेंस को वापस प्लेस कर देते हैं इस पे। तो ये आईसी मैंने बाहर निकाल लिया अभी, और ये आईसी जो है ये फट चुकी है। तो मैं अभी आपको ये आईसी के एक बार दिखा देता हूँ माइक्रोस्कोप में कि ये आईसी फट चुकी है, और इसका नंबर भी देख लेंगे। तो मैंने इसे यहाँ रख दिया है, तो माइक्रोस्कोप में देखते हैं। जो कि ड्यूअल लाइन कॉम्पेटर आईसी है, इसकी ये जो जगह है ये फट चुकी है, और इसका जो नंबर है वो है 27524A। यहाँ पर ए है लेकिन वो नहीं दिख रहा है इसमें। तो अभी इसको लगाने से पहले, इन सब चीज़ों को लगाने से पहले, हम इसके अंदर एक बार अच्छी तरीके से इसकी जो सप्लाई है, जो कि इस आईसी की वीसीसी सप्लाई को चेक कर रहे हैं, जो 15 वोल्ट की सप्लाई है इसकी, जो कि इसके पिन नंबर 3 और 6 में आती है, तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने अभी इसमें ये जम्पर लगा दिया है फ्यूज़ की जगह। ध्यान रहे कि हमें जम्पर जो है नहीं लगाना है, ये मैं खाली आपको चेक कराने के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी फ्यूज नहीं है 20 एम्पियर का। मैं इसमें लगा दूंगा अभी बाद में लेकर के। तो अभी मैं सप्लाई लगाता हूँ और वापस आपको दिखाता हूँ कि आप देखेंगे कि इसके अंदर ये लाइट आ चुकी है रेड वाली, और अभी 15 वोल्ट की जो सप्लाई है जो कि इसके पिन नंबर 3 और 6 में आएंगी, उसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैंने डीसी में सेट कर रखा है मल्टीमीटर को, और मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है, जो कि बिल्कुल गलत है, यहाँ पे सप्लाई आनी चाहिए। और अगर हम इसके साथ साथ देखें तो यहाँ पर एक 15 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है इसके साथ में, जिससे सप्लाई आ रही है, और यही सप्लाई इस आईसी पे भी जा रही है। तो अभी ये सप्लाई आ नहीं रही है, तो इसको एक बार यहाँ पर हम डायोड की रीडिंग में एक बार चेक करेंगे, कोई शॉर्टिंग तो नहीं है अभी भी, क्योंकि इस बोर्ड में काफ़ी कुछ ख़राब निकला है अभी तक। तो
एक बार वापस इसको डायोड की मोड पर रखते हैं मल्टीमीटर को, और जो इस कैपेसिटर पर चेक करेंगे हम, ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें डायोड की रीडिंग मिल रही है एक तरफ, लेकिन ये कम मिल रही है, और दोनों तरफ सेम टू सेम मिल रही है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो अभी हमें इसमें शॉर्टिंग चेक करनी होगी किस जगह पे है। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए मैं अभी रोज़न का इस्तेमाल करूँगा, जो रोज़न फ्लक्स होता है उसका इस्तेमाल करूँगा। ये होता है रोज़न फ्लक्स, जिसे कि अप्लाई करके हम चेक करेंगे कि शॉर्टिंग इसमें कहाँ है। अभी मुझे करना क्या होगा कि मैं 15 वोल्ट की सप्लाई अलग से, मतलब डीसी पावर सप्लाई से इस कैपेसिटर पर दूंगा, और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा जो कंपोनेंट है वो हमारा हीट हो रहा है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो कंपोनेंट शॉर्ट है। तो इसके लिए मुझे फ़ैन ऑफ़ करना पड़ेगा ऑफिस का, तो मैंने फ़ैन ऑफिस का जो है वो ऑफ़ कर दिया है, और अभी रोज़न को अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो रोज़न को अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, तो सबसे पहले इस कैपेसिटर पे अप्लाई करते हैं क्योंकि ये पैरेलल में लगा है। एक बार मैं अच्छे से वापस रोज़न अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो अभी दोबारा रोज़न अप्लाई किया है इसके ऊपर, अब वापस से इसमें सप्लाई देते हैं। तो इन दोनों कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं इस पे देना है हमें 15 वोल्ट। तो आप यहाँ पे देखना, ये जो है ये इसमें धीरे धीरे जो हमारा रोज़न है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, अभी देख सकते हैं आप बिल्कुल बीच में से बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो है रोज़न धीरे धीरे हट रहा है। इसका मतलब ये जो आईसी है ये शॉर्ट है अभी। अभी इस आईसी को रिमूव करते हैं और देखते हैं हमें जो यहाँ पर रीडिंग मिल रही थी वो हमारी जाती है कि नहीं। जैसे कि अभी आप देखेंगे ये हमें रीडिंग अभी मिल रही है, यहाँ पर दोनों तरफ सेम मिल रही है जो कि नहीं मिलनी चाहिए। तो आईसी को रिमूव करते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ। थोड़ा फ्लक्स अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर। देखेंगे कि आईसी बाहर आ चुकी है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये इसकी आईसी है, तो अभी इस पर फोकस नहीं हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। और अभी इसको साफ करते हैं इस एरिया को। और अभी चेक करते हैं कि जो हमारा रीडिंग आ रही थी वो जाती है नहीं। तो आप देखेंगे कि ये रीडिंग अभी जा चुकी है बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो चुकी है रीडिंग हमारी। और अभी इस पर 15 वोल्ट चेक करते हैं सप्लाई देके कि 15 वोल्ट अब बन रहे हैं कि नहीं। तो मैं इसको सप्लाई देता हूँ सबसे पहले, तो मैंने इसको सप्लाई दे दी है और अभी चेक करते हैं 15 वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं हमारे। डीसी मोड पर लेके जाएंगे, यहाँ पे हमारे अभी मिली वोल्ट आने लगे हैं, अभी सप्लाई कहाँ पिट रही है ये देखनी पड़ेगी। तो अभी भी जो हमारे वोल्ट है वो नहीं आए हैं सही से, तो मैंने अभी इसको ट्रेस किया है और मुझे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई थी जो कि ओपन हो गई है यहाँ से, क्योंकि ये प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस थी तो ये 0 ओम्स के आसपास की रेजिस्टेंस होती। तो इसको मैं निकाल के डायरेक्ट कर देता हूँ
और डायरेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि ये वोल्टेज हमारे आते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें एक के बाद एक चीज़ ख़राब निकल रही है। ये ना हो कि लास्ट में माइक्रो कंट्रोलर भी ख़राब निकल जाए, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो ये मैंने निकाल दिए, जो कि सही से पकड़ में भी नहीं आ रही है, कहाँ गई ये रही। तो ये 0 ohms की रेजिस्टेंस होगी, तो मैं इसको डायरेक्ट करूँगा अभी। डायरेक्ट करने के बाद देखते हैं कि हमारे जो वोल्टेजेस है वो बनते हैं, और जंपर करने के बाद चेक करते हैं कि वोल्टेज आगे पहुंच रहे हैं कि नहीं। अभी वापस प्लग लगाते हैं इसका और चेक करते हैं यहाँ सप्लाई हमारे पास पहुँची कि नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पे 14.88 वोल्ट, यहाँ 14.88 वोल्ट यहाँ पे आ गए हैं। तो अभी हमारी सप्लाई तो ठीक हो गई है। और अभी मैं IGBT वगैरह वापस लगाते हैं, सब चीज़ें वापस नहीं लगानी पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये IC जो है, मेरे को देखनी पड़ेगी मेरे पास है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी ये डिफरेंट नंबर है। और ये आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे जो IC लगेगी वो है, और ये हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर है। तो अभी मैं इसमें ये छोटी वाली IC और ये PNP ट्रांजिस्टर और IGBT लगाता हूँ, और लगा करके सब चीज़ देखते हैं वापस से। तो मैं इसमें से एक IC निकाल लेता हूँ पहले। तो ये जो IC है ये ड्यूअल कंपैरेटर IC है, जो कि IGBT के गेट को ड्राइव करती है। ये जो IGBT है ये माइक्रो ये SPCB के PFC सर्किट में लगा होता है, जो कि जब वोल्टेज कम होते हैं तो बूस्टअप वोल्टेज बनाने के लिए PFC सर्किट लगा होता है किसी भी इन्वर्टर AC में। मैंने ये IC लगा दी है, अब मैं ये ट्रांजिस्टर लगा देता हूँ इसके अंदर नया। तो एक ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ निकाल के रखा था, ये वाला। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, देखेंगे। ट्रांजिस्टर और IC मैंने इसमें लगा दी है अभी। ये IC मैं खोज के आता हूँ कि हमारे पास है या नहीं। तो आप देखेंगे कि मुझे इसके बदले ये IC मिल तो गई है भी, तो इसको भी मैं इसकी जगह पे लगा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फ्लक्स लगाना होगा। इसमें जगह जगह पर शॉर्टिंग थी, जगह जगह पर कंपोनेंट ख़राब थे, जिससे कि मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम आई इसको रिपेयर करने में। तो अभी IC बिल्कुल अच्छे से लग चुकी है, इसको मैं वापस से रिसोल्व कर देता हूँ एक बार सोल्डर से। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि इसमें मज़ीद प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। तो अभी वैसे हमारा सब कुछ ओके हो गया, IGBT भी इसमें इंस्टॉल कर देते हैं। तो IGBT के टांगों को बैंड करना पड़ेगा,
मैं इसे बैंड कर देता हूँ। और अब इसे यहाँ पर लगाने की बारी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करते जाना, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है यूट्यूब पर वीडियो बनाने का, प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं यूट्यूबर। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जितनी जानकारी हो सके वीडियो में मैं दे सकूँ। तो अभी ये फिट हो गया है, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो अभी जी सब कुछ तो हो गया है फिट इसके अंदर, एक बार सप्लाई ला करके वापस चेक कर लेते हैं। तो अभी जो इसके वोल्टेजेस हैं उसे मेज़र कर लेते हैं वोल्टेजेस को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डीसी वोल्ट चेक करेंगे मेन फिल्टर्स पर, जो कि 328 वोल्ट के आसपास हमें मिल रहे हैं डीसी में। उसके बाद हम 15 वोल्ट चेक करेंगे यहाँ पर, जो कि हमें मिल रहे हैं ठीक है। यहाँ पर भी चेक कर लेंगे ये 15 वोल्ट जो कि हमें मिल रहे हैं ठीक है। उसके बाद हम 3.3 वोल्ट चेक करेंगे जो हमें यहाँ मिलेंगे, ये भी ठीक है। पीसीबी को भी रिपेयर कर दिया है। इसमें जो बार बार आईजीबीटी उड़ रही थी, इसका रीज़न ये हो सकता है कि ये जो इसका जो गेट ड्राइवर सर्किट था उसमें बहुत सारे लीकेज कंपोनेंट थे जिनको अभी हमने चेंज कर दिया है। लगभग सभी सामान इसमें चेंज हो चुके हैं, ये आईसी चेंज हो चुकी है, ये आईजीबीटी चेंज हो चुका है, इसके साथ में ये ट्रांजिस्टर चेंज हो चुका है और ये आईसी भी चेंज कर चुके हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी इसके अंदर, बहुत ज़्यादा ही मसले थे जिसकी वजह से मुझे इसमें बहुत सारे टेक लेने पड़े हैं वीडियो के अंदर। तो अगर वीडियो में कोई कमी हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की इसको रिपेयर करने के लिए और अभी ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। अभी इसमें सारे वोल्टेजेस जो हैं वो बन चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपने अंत तक देखा है तो लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।